नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे, जिस बीमारी के लिए नुस्खा लेके हाजिर खिदमत हुआ, ये है खून की कमी को पूरा करने के लिए। नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखनी है। इसमें मैं आपको बताऊंगा खून की कमी क्यों हो जाती है, इसकी वजूहत क्या है और इसकी अलामत क्या है, और इसके साथ साथ मैं आपको सिर्फ एक चीज बताऊंगा, एक ऐसी चीज मैंने आपके साथ शेयर करनी है जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह खून की कमी पूरी हो जाएगी, खून भी बहुत ज्यादा बनेगा, चेहरा भी सुर्ख सफेद हो जाएगा, रंगत लाल सुर्ख हो जाएगी सेब की तरह, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही आला किस्म की। सिर्फ एक चीज जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, आपसे फिर मैं वही कह रहा हूँ कि आपने जो है ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखनी है ताकि आपको इसकी वजूहत का पता चल सके कि खून की कमी क्यों हो जाती है और इसकी अलामत भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ जो मैं आपके साथ एक नुस्खा शेयर करूंगा, उसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी बातें मैं आज आपको बताऊंगा। तो नाज़रीन, खून की कमी क्यों हो जाती है, सबसे पहले इस बात पर डिस्कस कर लेते हैं। तो खून की कमी जो है इसकी कई वजूहत है। सबसे पहली बात तो खून की जो कमी हो जाती है ये जिगर की खराबी की वजह से होती है। अगर जिगर आपका सही काम नहीं कर रहा, आपका जिगर जो है वो सफरा पैदा कर रहा है, सही तरह जो है वो उसका खून की जो सफाई है वो सही नहीं हो रही, तो इस वजह से जो है खून की कमी हो जाती है। लाजमी बात है, जिगर हमारा एक ऐसा मेन उज्व है, अज़ाए रईसा में से जिगर एक ऐसा हिस्सा है जो कि खून पैदा करता है और साफ सुथरा खून पैदा करता है और बहुत ज्यादा मिकदार पैदा करता है। अगर खून ना बने, जिगर खून ना पैदा करे, तो खून की कमी हो जाती है, सफरा ज्यादा पैदा करता है, सफरा की वजह से रंगत जो है पीली हो जाती है और जिस्म में दर्द, बांपचेड़ और इसके अलावा बाद रंगत जो है काली हो जाती है, तो ये सारा अमल दखल जो है ये जिगर पे है। अगर जिगर खराब है, जिगर खून सही नहीं बना रहा, सही खून नहीं बनाएगा, तो जब वो खून दिल में जाएगा तो दिल जो है उसी पर फर्क पड़ेगा, दिल जो है वो कमजोर होना शुरू हो जाएगा। लाल बात है, दिल को जो खून चाहिए होता है वो ऑक्सीजनेटेड खून होता है, ऑक्सीजनेटेड खून अगर दिल को नहीं मिलेगा तो दिल की हरकत कमजोर हो जाएगी, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी और दिल जो है ये डूबता हुआ महसूस होता है, घबराहट पैदा हो जाती है। उसके अलावा एंटीबायोटिक अद्वियात का इस्तेमाल करना, शुगर की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से या हेपेटाइटिस की वजह से, अगर आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने की वजह से खून जो है वो जल जाता है, खून खत्म हो जाता है, खून कम हो जाता है। उसके अलावा अगर आपने बहुत ज्यादा खून जो है डोनेट करना शुरू कर दिया है, तो डोनेशन की जो मुद्दत है वो कम से कम 3 महीने है, 3 महीने से पहले आप खून जो है वो डोनेट नहीं कर सकते, खून डोनेट करना चाहिए, ये बहुत अच्छी आदत है। किसी दोस्त का, किसी बहन भाई का भला हो जाता है, उसकी खैर खाई हो जाती है, खून डोनेट करना चाहिए, मगर कम से कम 3 महीने से पहले नहीं। आप साल में एक बार कर लें या साल में 2 बार डोनेट कर सकते हैं। ज्यादा डोनेट करेंगे तो इससे फिर खून की कमी पैदा हो जाती है और इसके अलावा जो है जिसम जो है ये फूलना शुरू कर देता है। और इसके अलावा अगर आप बाजारी अशिया इस्तेमाल करते हैं, चटपटे खाने, चिकनाई वाली अशिया, बाजारी अशिया का इस्तेमाल, बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल, तो इससे फिर फुलावट पैदा हो जाती है मगर खून की कमी हो जाती है। खवातीन है तो खवातीन में इस्तेहज़ा का मसला बन जाए, मेंसेस का मसला बन जाए, मेंसेस बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाए या इस्तेहज़ा का मसला, हैज़ और नफास का मसला बन जाए, तो खून की कमी हो जाती है। उसके अलावा ग़िज़ा का इस्तेमाल करना, खुराक कम खाना, ऐसी खुराक खाना जिससे जो है वो खून की पैदाइश ना हो, फ्रूट ना इस्तेमाल करना या ऐसी जो ग़िज़ाएं हैं, ऐसी सब्जियां हैं जो इस्तेमाल करना जिससे खून की पैदाइश कम हो जाती है, तो इसकी वजह से भी खून की कमी हो जाती है। उसके अलावा ज़हनी टेंशन, परेशानी, अगर कोई अचानक सदमा पहुंच जाए तो उसकी वजह से जो है बंदे को बहुत ज्यादा फिक्र परेशानी दाग हो जाती है, जिसकी वजह से बंदा जो है उसको खून की पैदाइश रुक जाती है, खून जो है ये कम बनना शुरू हो जाता है। मेदे जिगर की गर्मी की वजह से जो है ये खून जो है वो कम बनता है। लाजमी बात है, जो ग़िज़ा हम खाते हैं वो मेदे में जाती है, अगर मेदे में एसिडिटी है या मेदे में तेजाबियत है या मेदे में कोई और प्रॉब्लम है, किसी भी किस्म का अल्सर वगैरह, तो जैसी ग़िज़ा मेदे में मेदे से
आगे जाएगी जिगर की तरफ, उसमें जो अज्जा शामिल हो चुके हैं तेजाबियत के, एसिडिटी के, अल्सर के, जो जरासीम खून में मिक्स होकर जिगर में जाएंगे तो जिगर में डिफेक्ट हो जाना है, जिगर जो है ये कमजोर हो जाएगा, जोफ जिगर का मसला बन जाएगा, जरकान का मसला बन जाएगा, एसजीपीटी का मसला बन सकता है, उसके अलावा एचआईवीसी का मसला बन सकता है। ये काफी सारी चीजें हैं जिनकी वजह से खून की कमी हो जाती है। नाज़रीन, खून की कमी की मैंने आपको वजूहत बताई है, इसकी अलामत क्या है। एक तो रंगत जो है ये पीली हो जाएगी, जो टांगें हैं दाग करना शुरू कर देती हैं, दो चार कदम चलना मुश्किल हो जाता है, आंखें सफेद हो जाती हैं, काम करने को जी नहीं चाहता, बस ये देर करता है कि जो है वो बेड पे लेटा है बंदा, आराम प्राप्त हो जाता है, काम करने को दिल नहीं करता, जबान जो है ये सफेद हो जाती है, होंठ जो है ये सफेद हो जाते हैं, रंगत इसकी पीली हो जाती है, तो ये इसकी अलामत है। उसके अलावा जोर जोर दान करना शुरू कर देता है, छोटे जोर दान करेंगे, बड़े जोर दान करेंगे, तो ये खून की अलामत पैदा हो जाती है। अगर खवातीन है तो खवातीन में भी ये अलामतें पैदा हो जाती है, चाहे वो किसी वजह से भी उनमें खून की कमी हो गई है। तो नाज़रीन दूसरी तरफ चलते हैं, मगर इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, ताकि हर वीडियो बार बार आपको मिलती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजम कर दें। तो नाज़रीन आपने क्या करना है, आपने प्रसार की दुकान से ज़रिश की शीरी ले लेना है। ज़रिश की शीरी जो है ये ऐसे दाने होते हैं जैसे काली मिर्च होती है, मगर काली मिर्च से थोड़े से मोटे होते हैं और नरम होते हैं, तो ये आपने ले लेनी है। हंसने जरूरत आप ले लें, 50 ग्राम ले लें, आपकी मर्जी है 100 ग्राम ले लें, जितने भी आप लेनी है, तो ये लेके आप घर आ जाएं। अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना मैं आपको बता देता हूँ। अब आपने क्या करना है, आप देखना है कि मौसम कौन सा है। अगरचे गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में आपने क्या करना है, ठंडा दूध लेना है, ठंडा दूध लेना है और एक चम्मच आपने ज़रिश की शीरी जो है इसको आपने चबा लेना है, चबा कर आपने इसको खा लेना है और साथ भी आपने दूध भी एक ही घूंट पीते रहना है। ये आपने गर्मियों में ऐसे इस्तेमाल करना है। अगर सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में आपने क्या करना है, दूध आपने नीम गर्म ले देना है, नीम गर्म दूध आप इस्तेमाल करेंगे और उसी तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा सा जो है एक चम्मच आपने ज़रिश की शीरी जो है इसको चबा लेना है, चबा कर आपने खा लेना और एक एक घूंट करके दूध आपने पी लेना है। गर्मियों का तरीका और सर्दियों का तरीका मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है, अब आपकी चॉइस पे है कि आप गर्मी में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या सर्दियों में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। नाज़रीन आपने ये इस्तेमाल करना है, उसका सिर्फ एक हफ्ता आप इस्तेमाल करके देखना, आपकी रंगत लाल सुर्ख हो जाएगी, खून की कमी जो है ये खत्म हो जाएगी, खून बहुत ज्यादा पैदा करना शुरू कर देगा। बहुत ही जबरदस्त और मुजरब जो है ये चीज मैंने आपके साथ शेयर की है। आप इस्तेमाल करेंगे, आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि आपके जिस्म में से गर्मी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मेदे की गर्मी है, जिगर की गर्मी है, जोफ जिगर हो गया है, आपसे चलना फिरना मुश्किल हो गया, रंगत पीली हो गई है, आंखें सफेद निकल आए हैं, होंठ जो है ये पीले हो गए हैं, ये सफेद हो गए, तो इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपके जो है बहुत ज्यादा खून बनना शुरू हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त चीज मैंने आपसे शेयर की, आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको 100% फायदा होगा। एक साथ ही जाना चाहते हैं अगले वीडियो तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।